बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अलोंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। इसमें सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की बात करेंगे। इसमें सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, सोडियम और वाटर की मेनली बात करें तो ना, तो ये 60% जो फिल्ट्रेशन लोड है ना उसमें से वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है, और जो क्लोराइड है ना वो बहुत कम मिकदार में होती है। क्लोराइड, सोडियम और वाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की ना हाई कैपेसिटी होती है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव रीअब्सॉर्प्शन के लिए। क्यों होती है? इस दो वजह से होती है। एक तो इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, दूसरा इसकी प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सरफेस एरिया इसके चार वजह से बड़ा होता है। एक तो इसकी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा हाईली मेटाबॉलिक होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और गोल्जी अपरेटस भी होता है। ब्रश बॉर्डर्स होते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे जिसकी वजह से सरफेस एरिया मेम्ब्रेन बढ़ जाता है। और इसके अलावा बेजल चैनल्स होते हैं या जिन्हें हम लैब्रिंथाइन ऑफ इंटरसेलुलर एंड बेजल चैनल्स भी कहते हैं, लैब्रिंथाइन ऑफ इंटरसेलुलर एंड बेजल चैनल्स। अब इसकी वजह इन सारे फैक्टर्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जो प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं ये जो होती हैं ये इसकी वजह से भी ट्रांसपोर्ट इन्हांस हो जाती है सोडियम आयंस की। ये कोर ट्रांसपोर्ट भी करवा देते हैं और काउंटर ट्रांसपोर्ट भी। कोर ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल है कोर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट भी। कोर ट्रांसपोर्ट में इम्यूनो एसिड्स और ग्लूकोज की कोर ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम के साथ, और जो सोडियम की काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है ना